नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि रणबीर और रणबीर के फादर दोनों ही बोलते हुए नजर आने वाले हैं कि इस घर से रिया को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस घर में अब रिया के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसने प्राची के ऊपर एक से बढ़कर एक नए नए अटैक करवाए हैं और सिड की बहन को मारने की जो कोशिश की है, लगातार कई इल्जाम लगते हुए नजर आ रहे हैं रिया के ऊपर। इसलिए रणबीर के फादर और रणबीर की मॉम और खुद रणवीर ने ये डिसाइड किया है कि जल्द से जल्द रिया को इस घर से निकाला जाए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि रिया ने जो क्रिमिनल माइंड किया है, अब सभी को पता चल चुका है कि रिया कभी भी कुछ भी कर सकती है और रिया अपनी हदें तो पार हमेशा से ही करती है। लेकिन इस बार जो रिया जो एक्सपोज हुई है, वो एक्सपोज होने के लिए वाकई में प्राची ने कितना ज़्यादा कुछ सहन करना पड़ा है, क्योंकि प्राची को लगातार टारगेट पर टारगेट कर रही थी रिया और आलिया मिलकर। प्राची को यहाँ तक कि घर से निकालने की तक की भी धमकी दे दी थी। लेकिन अगर सही वक्त पर रणबीर और साथ में सहाना पोल पट्टी नहीं खोलते तो वाकई में इस समय रिया प्राची को घर से बाहर निकाल ही देती। साथ ही दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में आने वाले एपिसोड में और भी बड़ा दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि रिया झूठ मूठ के अपने आंसू दिखाती है सभी घर वालों को, ताकि घर वाले उसके आंखों के उसमें आके फंसीज जाएं और रिया को निकाले नहीं। लेकिन दोस्तों, रिया की हरकतें अभी भी ऐसी हैं कि वो प्राची को चोट जरूर करेगी। जी हाँ, क्योंकि प्राची को मारने के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकती है रिया। और रिया की बात की जाए तो रिया इतना बड़ा गेम खेल रही है कि किसी भी तरीका से अब आर और पार का खेल खेल रही है कि अगर रणवीर मेरा नहीं हुआ तो मैं प्राची का भी नहीं होने दूंगी। साथ ही दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसे लगी मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।